हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। भोले की भक्ति में डूबी रही संस्कार धानी, कहीं रुद्राभिषेक तो कहीं पर भोले की निकली बारात, तो कहीं जगह जगह भांग का वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसे पीकर भक्तगण झूमते नजर आए। सब जबलपुर से पवन यादव की रिपोर्ट, पोल खोल पोस्ट। मानो निवेशयन्नमृतं प्रतियञ्च हिरण्ययेन सवितां देवो जाति भुवनानि पश्यन् भगवे श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान शिव का ध्यान करते हुए पुष्प को भगवान शिव के सानिध्य में छोड़ दीजिए। पुनः पुष्प लेकर के भगवान गणपति का स्मरण करें। हरि ओम मा गणानां त्वा गणपद्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपद्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपद्गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् पूर्वास्वः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नीचे भगवती आदिशक्ति जगज्जननी दुर्गा का स्मरण करें।
हर 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 महादेव। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह की यह बेला समस्त भक्तों को मनोवांछा प्रदान करने वाली है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, भावे ही मेट शकहि त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ परम आशुतोष हैं, सहज ही भक्तों पर कृपा वर्षाते हैं। जहाँ पर आज हम चतुर्थ प्रहर का पूजन अभिषेक करने के लिए विद्यमान हैं, यह नर्मदा के पावन तट ग्वारीघाट परिक्षेत्र में खारीघाट स्थित शिव पंचायतन मंदिर है। यह पंचायतन मंदिर, जैसा कि वेदों में व्यवस्था है, सूर्य, गणपति, भगवती दुर्गा, मध्य में भगवान शिव एवं भगवान विष्णु। यह पंचायतन समस्त गृहस्थों को संपूर्ण मनोकामनाएं, मनोवांछा प्रदान करने वाले हैं। हजारों वर्ष प्राचीन इस मंदिर में विगत 14 वर्षों से जावालीपुरम संस्कारधानी के शिव भक्तों के सहित यह चारों प्रहर पूजन का कार्यक्रम चलता है। यह व्यवस्था, यहाँ पर किसी को भी सामान इत्यादि लाने की अथवा कोई भी बंधन नहीं है। जो भी भक्त आएँ यहाँ पर आकर के भगवान शिव के सान्निध्य में बैठ कर के चारों प्रहर का पूजन, दर्शन एवं आरती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम? आचार्य राधेश्याम शर्मा।